हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल आर किचन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आपके आप सारे के सारे ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे एक कटोरी मैदा से ढेर सारी खस्ता चाट पापड़ी। तो ये मैंने एक कटोरी मैदा लिया है, इसे एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। एक कटोरी मैदा में आपने आधी कटोरी पानी लेना है। तो देखिए, आधी कटोरी पानी मैंने ले लिया, अब इसे एक तरफ से रख देंगे और इस मैदा में कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। ये मैंने नमक लिया स्वाद के अनुसार। इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे हथेली से रगड़ते हुए। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे, इसे भी हथेली से रगड़ ताकि इसकी खुशबू अच्छी सी आए। ये चिली फ्लेक्स एक चम्मच, चुटकी भर मैंने इसमें मीठा सोडा डाल दिया क्योंकि मैदा थोड़ी हार्ड होती है पेट के लिए। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैंने एक चम्मच देसी घी डाल दिया, ये छोटी चम्मच है। इसमें थोड़ा मोयन कम ही डालना है, इसके ऐसा नहीं करना कि आटे की हमारी लड्डू बन रहे हैं, नहीं, सिर्फ मोमन के लिए डालना है हमें इसे। और इन्हें मिक्स कर लेंगे अच्छे से घी को। आप चाहे तो इसकी जगह ओलिव ऑयल या वनस्पति तेल भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मिक्स करने के बाद जो मैंने कटोरी में पानी रखा था, अब इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर इसे आटा बना लेंगे। इस आटे को हमें चिकना नहीं करना, सिर्फ इसे इकट्ठा करना है एक जगह। तो थोड़ा पानी डालकर इसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो देखिए, आटा हमारा तैयार है और हमारा पानी भी बच गया है इसमें 2 से 3 चम्मच। आटा हमने इकट्ठा किया है, देखिए इस तरह से ये अंदर से फटा फटा सा है, ये चिकना नहीं है। इसी तरह का आपने भी आटा तैयार करना है। तो आटा हमारा तैयार है, अब इसकी हम छोटी छोटी सी लोइयां बना लेंगे। ये देखिए, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो इतना आटा ले लेकर हमने इसकी छोटी छोटी सी लोइयां बना लेनी है मठरियों के लिए। लोइयां बनाने के बाद इसे हथेली से रगड़ कर गोल कर लेंगे। देखिए लोइया हमारी तैयार है, अब इसकी पतली पतली सी मठरियां बना लेते। इधर मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी, उसमें सरसों का तेल रख दिया गर्म होने के लिए मीडियम आंच पे। तो बेलन से इस तरह से हम इनकी छोटी छोटी सी मठरियां बना लेते हैं, ये बिल्कुल पतली होंगी। तो इसके आप 3 से 4 बंच बना लें और एक के ऊपर एक रख देने, इस तरह से आपस में चिपकती नहीं है। तो देखिए इस तरह से मैं इसके 3 से 4 बंच बना लेती हूँ सारी लोइयों के। तो देखिए मैंने सारी मटेरियल बेल ली हैं, अब इन्हें फोक की मदद से इनमें हमें छेद कर लेने हैं। देखिए चिपक भी नहीं है रही आपस में, आप चाहे तो इन्हें पेपर के ऊपर भी रख सकते हैं, इससे हमारे टाइम की बचत होगी और एक साथ हमारी सारी मटेरियल में छेद हो जाते हैं। छेद करने से क्या होता है, ये हमारी मटेरियल फूलेंगी नहीं पूरी की तरह, ये चपटी रह जाएंगी और अंदर से बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होंगी। तो आप इस तरह से सारी मटरियों में छेद कर ले फोक की सहायता से। तो देखिए छेद मैंने कर लिए हैं, अब मैंने इसे एक छलनी में डाल लिया है और छलनी तेल में डाल दी है और मटरियाँ तलने के लिए तैयार हैं। इस टाइम पर आप गैस की फ्लेम लो कर दें क्योंकि हमें इसे लो फ्लेम पर ही सेकना है हल्का ब्राउन होने तक, ताकि अंदर से खस्ता और कुरकुरी बनकर तैयार हो। जब एक तरफ से अच्छे से सेक जाए तो दूसरी तरफ से पलट के सेक लें।
देखिए मटरी हमारी अच्छे से ब्राउन हो चुकी हैं। इन्हें निकाल लेते हैं, इनका कलर देखिए कितना अच्छा आया है, ब्राउन ब्राउन सा। तो इसी तरह से हम सारी मटरियाँ तल लेंगे तेल में। तेल में डालते ही अपना आप अलग हो जाती है, चिपकी हुई होंगी तब भी एक एक अलग हो जाएंगी ये। तो मटरी हमारी बनकर तैयार है। तो अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेसिपी आप घर पर जरूर ट्राई करें। आप इसे टमाटो सॉस, अचार और दही के साथ खा सकते हैं कि कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।